हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें हम लोग मैथ सेक्शन का एनालिसिस कर रहे थे। आज भी हम लोग एक पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो ये पेपर है 27 दिसंबर 2021 का। इसमें हम लोग मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर है प्राइमरी लेवल का। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 to 200 आर रिटन ऑन द फ्लोर। थ्री फ्रेंड्स चैंग, स्नेहा एंड सलीम स्टार्टेड टू जंप ऑन द नंबर्स। चैंग इज ऑन 83 एंड ही जंप ऑन एवरी सेवेंथ नंबर। स्नेहा इज ऑन 94 एंड सी जंप्स ऑन एवरी फिफ्थ नंबर। एंड सलीम इज ऑन 106 एंड ही जंप्स ऑन एवरी फोर्थ नंबर। द कॉमन नंबर ऑन विच ऑल ऑफ देम जंप विल बी। देखिए, जो एक फ्लोर है जिस पे टाइल्स लगी हैं और उस पे 1 से लेके 200 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अब तीन फ्रेंड्स हैं, वो अलग अलग नंबर्स पे जंप करते हैं। जो चैंग है वो हर सेवेंथ नंबर पे जंप करता है और स्नेहा जो लड़की है वो हर फिफ्थ नंबर पे जंप करती है और सलीम हर फोर्थ नंबर पे जंप करता है। तो वो एक कॉमन नंबर बताइए जिस पे वो तीनों जंप करेंगे। तो देखिए, 1 से लेके 200 के बीच में ये नंबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कॉमन मल्टीपल टाइप का है, ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये इसमें हम एलसीएम नहीं निकलेगा और ना ही फैक्टर निकलेगा। ये निकलेगा जैसे कॉमन मल्टीपल टाइप का, इसमें 83 जैसे चैंग का है, 83 है और वो सेवेंथ पे जंप कर रहा है, तो अब वो 90 पे करेगा, फिर 97 पे करेगा, फिर 104 पे करेगा, फिर 111 पे करेगा, फिर 118 पे करेगा, तो इस तरीके से। और जो स्नेहा है वो 94 पे कर रही थी, तो हर वो फिफ्थ नंबर पे करती है, 99 पे करेगी, फिर 104 पे करेगी, फिर 109 पे करेगी, फिर 114 पे करेगी, इस तरीके से। और जो सलीम है वो 106 नंबर पे है और हर फोर नंबर पे जंप करता है, तो 110 पे करेगा, फिर 114 पे करेगा, फिर 118 पे करेगा, इस तरह से ही करेगा। तो आगे जाके देखे, इसमें से जो ऑप्शन है 112, 114, 124 या 142, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 174 होगा। ये कॉमन नंबर होगा जिस पे ये तीनों जंप करेंगे बारी बारी से, लेकिन इस चारों में से कोई एक ऑप्शन नहीं है। लेकिन सीटेट ने जो इसका सेकंड ऑप्शन है 114, इसको आंसर माना था, लेकिन नंबर सबको दिए गए थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 174 आएगा। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन ए स्कूल ऑडिटोरियम 2/7 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। इफ देयर आर 111 मोर बॉय देन गर्ल, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कह रहे हैं कि स्कूल की सभागृह है जिसमें 2/7 लड़कियां हैं, मतलब मान लीजिए टोटल 7 बच्चे हैं, तो उसमें से 2 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं, तो बाकी बचे हुए 5 लड़के हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं लड़कों की संख्या लड़कियों से 111 अधिक है, तो बॉयज कुल लड़कों की संख्या कितनी है उस स्कूल के सभागृह में। तो मान लीजिए टोटल स्टूडेंट एक्स हैं, टोटल स्टूडेंट एक्स है, गर्ल्स कितनी है 2/7x, कुल बच्चों का 2/7 है, और बॉयज कितने हो जाएंगे फिर 5/7x। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर, देखिए मतलब लड़के 111 अधिक है लड़कियों से, तो मतलब दोनों का अंतर
निकालेंगे 5/7x, लड़के और लड़कियों के संख्याओं में कितना अंतर है, 111, तो ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ, और फिर देखिए ये तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, ये 7 7 जा 49 और 4 7 3 जा 21, 259, उसमें से क्या है 111। ये तो टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या हो गई। अब लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी थी, 5/7, तो 5/7 किसका, 259 का। तो 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49, 5 को 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 185, 185 कुल लड़के हैं। ओके यहाँ पे हमसे कुल कितने लड़के हैं ये पूछा गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, 185, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। गॉट इट। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी वंस आर देयर इन अ नंबर 97, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, 97 में कितनी इकाइयां हैं। तो देखिए यहाँ पे लगेगा कि 97 जैसे ये इकाई हो जाएगा वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, तो हमें लगेगा कि 7 है, लेकिन यहाँ पे इकाइयाँ पूछा है तो 97 इकाई है, 97 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 97 है, तो यह इकाइयाँ कितनी यूनिट्स हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 37 है। अगर हमसे पूछता दहाई कितनी है, कि टेंस कितने हैं, तो सिर्फ 9 होती, क्योंकि 9 10 जा 90 होता, लेकिन इकाइयां पूछा है तो 97 इकाई होंगी, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ डिवीजन क्वेश्चन द डिवीजर इज 6 टाइम्स द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 6, व्हाट इज द नंबर। देखिए इस हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेष फल का 2 गुना है, यदि शेष फल 6 है तो संख्या क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइजर क्या है, 6 टाइम्स है क्वेश्चन का और ट्वाइस है किसका, रिमाइंडर का, और रिमाइंडर कितना है, 6 है, दैट इज 2 × 6 12 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी तो इसके बराबर होगा 12, तो क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, 12/6 दैट इज 2, क्वेश्चन आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर पहले से दिया हुआ था 6, तो और डिवाइजर जो है रिमाइंडर के ट्वाइस बराबर था तो 12 आ गया, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, 12 डिवाइजर 12 था और क्वेश्चन कितना निकला, 2, और रिमाइंडर कितना है, 6, दैट इज 12 2 जा 24 + 6 = 30। गॉट इट। तो वो नंबर क्या होगा, 30 होगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखिए जैसा ये है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर निकालना है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या 4 अंकों की नहीं होती है, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी,
99 99 अंतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 901। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, एकदम प्राइमरी लेवल के बच्चों के तरह। ओके चलते हैं, इसका राइट आंसर 901 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए कुछ प्राइस दिया गया है और लिस्ट बनाया है। द प्राइस लिस्ट सोन इन वेजिटेबल शॉप इज गिवन बिलो। कुछ आइटम्स दिए हैं, आंवला, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, और उसके प्राइस दे रखे हैं पर केजी के हिसाब से। अब जामा बॉट 250 ग्राम आंवला, 3/4 केजी ऑफ ब्रिंजल, 1 केजी लेडी फिंगर, 2 होल 1/2 केजी पोटैटो, 1 होल 1/2 केजी टमेटो एंड 1 होल 1/2 केजी अनियन। ही गेव रुपीज 400 ऑन द शॉपकीपर, हाउ मच डिड ही गेट बैक। तो पहले तो देखिए इसका बिल बनाना पड़ेगा। रामा ने लिया है क्या, आंवला लिया है कितना 250 ग्राम, तो 120 रुपये पर केजी है, तो 250 ग्राम कितने का हो जाएगा 40 रुपये का। फिर क्या है 3/4 ब्रिंजल, ब्रिंजल 3/4 केजी मतलब 750 ग्राम लिया है, तो वो कितना हो जाएगा 60 रुपये केजी है, तो 3/4 कितना हो जाएगा 45 रुपये का। फिर क्या है 1 केजी लेडी फिंगर, लेडी फिंगर 45 रुपये का हो जाएगा। 2 होल 1/2 केजी ऑफ पोटैटो, टू पोटैटो कितने का है 38 रुपये का, तो 5/2 केजी ये हो जाएगा 95 रुपये का पोटैटो। एंड 1 होल 1/2 केजी ऑफ टोमेटो, तो टोमेटो कितना हो जाएगा 3/2 × 42 21, 3 1 3 3 2 6, टोमेटो कितने का हो जाएगा 63। एंड 1 होल 1/2 केजी अनियन दैट इज 3/2, ये 33 रुपए का अनियन हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए सबको, 5 + 5 + 5 15 16 17 18 19 21, 2 कैरी, 4 + 4 12 12 + 9 21 21 + 6 27 30 और 32, 321 हो गया। अब 400 रुपये उसने दुकानदार को दिए थे, तो 321 रुपये माइनस करके वो दे देगा, तो कितना देगा 79 रुपए। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4th ऑप्शन, रुपीज 79 राइट आंसर। ओके गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रीड एग्जैक्टली द सेम ऑन हाफ अ टर्न। हिंदी में क्या है, इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा। आधा घुमाने पे अब किस तरह से घुमाया गया है, जूम आधा घुमाएंगे तो वैसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा, रीड ये नहीं होगा, स्विम्स इसको थोड़ा घुमा के देख सकते हैं, ये हाउ या वाओ ये भी 6 6 नहीं। इसका राइट आंसर ये स्विम्स होगा, सीटेट ने इसको राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन को राइट आंसर माना है। अब किस तरह से हाफ को इसको टर्न करना है ये तो इसमें कुछ दिया नहीं है। ओके इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीचर टेल स्टूडेंट दैट द हाइट ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग इज 828 मीटर।
जगत रिस्पॉन्ड इफ वी मेक अ स्टैक ऑफ अवर क्लासरूम हॉरिजेंटली 120 क्लासरूम कैन कवर द बिल्डिंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ जगत क्लासरूम। देखिए शिक्षक ने बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत क्या है, 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देंगी। तो जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 828 को 120 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। तो देखिए ये 120 12 का फैक्टर है, तो 12 7 जा 84 होता है, तो 127 जा भी 840 होगा। लेकिन ये 840 से तो कुछ कम है, दैट इज 6 तो हो गई और 0.9 थोड़ा सा कम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.9 मीटर। ओके, क्योंकि 840 से 127 जा 840 होता और ये थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे 6.9 आंसर के साथ हम चले जाएंगे। 7.4 तो हो ही नहीं सकता, 9.6 भी नहीं हो सकता, और 5.8 कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस वजह से इसका सेकेंड ऑप्शन 6.9 मीटर हो जाएगा। गॉट इट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीता हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, तनु इज सेकेंड, हर जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन रीता। देखिए हम यहाँ पे लिस्ट बनाते चलते हैं। रीता ने फर्स्ट आके कितना जंप किया, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तनु सेकेंड आई, हर जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन रीता, उसने 20 सेंटीमीटर कम कूदा, तो 3 मीटर तो कूदा ही होगा, और इससे 20 रीता से 20 सेंटीमीटर कम कूदा तो 40 से 20 सेंटीमीटर कम कर दी, तो दैट इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कूदा। रिहाना कम थर्ड, रिहाना थर्ड आई, हर जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन तनु जंप, सिर्फ इससे 5 सेंटीमीटर कम है, दैट इज 5 सेंटीमीटर कम है तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। बाय हाउ मच सेंटीमीटर रिहाना कुड नॉट सिक्योर द फर्स्ट रैंक, कितने सेंटीमीटर से रिहाना जो है फर्स्ट रैंक नहीं ला पाई, कितना कम कूदी। तो देखिए फर्स्ट कौन है, रीता जो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर की है, और रिहाना 3 मीटर 15 सेंटीमीटर का, तो कितना का फर्क है, 25 सेंटीमीटर का। अगर वो 25 सेंटीमीटर और कूद जाती तो रीता के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेती और फर्स्ट आ जाती। गॉट इट? यहाँ आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर आर नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। कह रहे कितने स्क्वायर्स लगेंगे एक रेक्टेंगल बनाने के लिए, कितने वर्ग लगेंगे, जो वर्ग की माप है 2 सेंटीमीटर है और उसको आयत बनाना है उससे ही इस्तेमाल करके, जिसकी लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये 2 सेंटीमीटर के हैं तो अगर हमें 8 सेंटीमीटर लंबाई बनानी है तो कितने लग जाएंगे, 4 2 2 2, तब तो 8 सेंटीमीटर लंबाई होगी, और चौड़ाई कितनी बनानी है, 6, तो ये दो ये दो ये दो, तो देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3, तो 4 3 जा 12 स्क्वायर्स हमें लग जाएंगे, तब जाके हमारा 8 बाई 6 का रेक्टेंगल बनेगा। गॉट इट?
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 41. 3/4 ऑफ ए मीटर इज सेम एस. देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम प्राइमरी लेवल के बच्चे. 3/4 ऑफ ए मीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. तो ये 25 आ जाएगा, 3 × 25 75 सेंटीमीटर के बराबर होता है. तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर. गॉट इट? क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं. चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रिंकू यूजेस साइकिल टू रीच स्कूल एवरी डे. इफ ही रीचेस स्कूल फ्रॉम होम इन 30 मिनट बाय ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन इन स्कूल एंड होम. रिंकू जो है साइकिल का उपयोग करती है स्कूल, घर से स्कूल जाने के लिए. वो 13 मिनट में रोज पहुंचती है. अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाती है तो 13 मिनट समय लगता है उसको. तो डिस्टेंस बताइए स्कूल और होम में, या होम या स्कूल में. तो देखिए कैसे हम निकालेंगे, उसकी स्पीड कितनी है, हमें डिस्टेंस निकालना है ना. तो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 13 मिनट. तो 6 किलोमीटर पर आवर है. तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3. तो ये आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड. अब हमसे पूछ रखा है डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. अब स्पीड कितनी आ गई? 5/3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमारे पास टाइम कितना है? 13 मिनट. और 13 मिनट को भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. तो 13 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट में 60 सेकंड. तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको 3 से कर दे 20 से. 520 जो 100, 100 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1300 मीटर. उसके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है? 1300 मीटर. फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. ओके, गॉट इट? इसका फोर्थ ऑप्शन 1300 मीटर सही आंसर हो जाएगा. समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई या कोई एडवाइस हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. और ये इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें. चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वॉट इज द वैल्यू ऑफ 2 − 2 + 2 − 2 + 2 − 2, दैट इज n. ये एक सीरीज की तरह है जो कि n इन्फिनिटी तक मान लीजिए चला जा सकता है. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 0 व्हेन n इज इवन. आंसर इसका 0 होगा जब n क्या होगा? इवन, मतलब सम संख्या होगी. देखिए यहाँ पे भी 2 − 2 ये 0 हो जाएगा, 2 − 2 0 हो जाएगा, 2 − 2 0 हो जाएगा. तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन, जब सम संख्या तक ऐसा n रहेगा तो आंसर 0 होगा. सही बात है. 2 व्हेन n इज इवन ये नहीं हो सकता. −2 व्हेन n इज ऑड. अगर n ऑड हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे +2 हो जाए, +2 तक जाए, उसके बाद ख़त्म हो जाए, तो −2 तो आंसर नहीं होगा. तो ये भी आंसर रॉन्ग है. 0 व्हेन 0 n ऑड होने पे नहीं हो सकता. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 जब n, ये 2 की वैल्यू जो है सम संख्या में रहेगी, इवन नंबर्स में रहेगी, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा. गॉट इट? और अगर ऑड होगी तो क्या होगा इस सीरीज का आंसर? +2 आंसर होगा. गॉट इट? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अनीस मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक टू सेल एट द फेयर. ही हैज अ बकेट
स्मॉल ग्लास एंड लार्ज ग्लास रिस्पेक्टिवली, विच कैन कंटेन 20 लीटर, 250 ml एंड 400 ml ऑफ लेमन ड्रिंक। देखिए अनीस जो है लेमन ड्रिंक बनाता है फेयर, मतलब मेले में बेचने के लिए। उसके पास बाल्टी है और छोटे ग्लास हैं और बड़े ग्लास हैं। जो बाल्टी में है वो 20 लीटर उसमें भरा हुआ है। अब वो छोटे ग्लास और बड़े ग्लास से बेचेगा तो 250 ml के ग्लास बेचेगा और 450 ml, तो देखिए ही सोल्ड 45 into small glasses, 45 स्मॉल, तो 45 स्मॉल ग्लासेस बेचेगा तो 45 into 250 ml इतना बेच देगा। और 21 लार्ज ग्लास बेचेगा तो उसमें 400 ml इतना बेच देगा। ये 20 लीटर में से ही निकाल के बेचेगा तो उसके पास बचेगा कितना, तो 45 into 250 कर लीजिए और 20, देखिए ये तो कितना हो जाएगा, 21 into 8400 ml, और ये कितना हो जाएगा, 45 0 0 45 5 225, और 22 45 2 90 11 250, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 6 960 19650 ml उसने टोटल बेच चुका है। तो बचा कितना, 20 लीटर में से तो 350 ml बचेगा। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 लीटर, तो 20 लीटर में कितने होंगे, 20,000 ml, उसमें से 19,650 ml वो बेच देगा तो बचेगा कितना, 350 ml। ओके, गॉट इट, सिंपल सा क्वेश्चन था थोड़ा सा समझने के लिए, बाकी तो सब्ट्रैक्शन करना था इसमें। इसका राइट आंसर 350 ml हो जाएगा, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर 10 ईयर मनीषा एज विल बी 5 टाइम ऑफ हर एज 6 ईयर अगो, वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा। देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए, 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसके 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुना हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु क्या है, देखिए पहले तो मान लीजिए कि मनीषा की प्रेजेंट एज क्या होगी, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज एक्स ईयर होगी। आफ्टर 10 ईयर कितनी हो जाएगी, आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद, मान लो अभी x साल की है तो उसमें 10 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगी। और 6 साल पहले कितनी होगी, बिफोर 6 ईयर 6 ईयर, तो मान लीजिए x है अभी तो उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, ये होगी। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 10 साल बाद की आयु है तो 10 साल बाद की आयु कितनी है, x प्लस 10, वो 5 गुना हो जाएगी किसके, जो 6 साल पहले उम्र थी। इस तरह से हम इक्वेशन बना लेंगे, ये x प्लस 10 हो जाएगा, ये 5x माइनस 30 हो जाएगा, ये माइनस 30 प्लस 10, और ये 5x माइनस x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 अपन 4x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ईयर। तो हमने प्रेजेंट एज कितनी मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 10 साल। ओके, गॉट इट। उसकी वर्तमान आयु 10 साल है, गॉट इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के, मैथमेटिकल पेडागोजी के। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ नॉलेज गिवन बाय द जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
देखिए, जीन पियाजे के ज्ञान के संदर्भ के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या पढ़ लेते हैं हम ऑप्शन। नंबर कम अंडर फिजिकल नॉलेज एज चिल्ड्रन लर्न नंबर बाय एसोसिएटिंग देम विथ काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑप्शन है नंबर कम अंडर सोशल कन्वेंशनल नॉलेज एज चिल्ड्रन लर्न थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ओके, थर्ड ऑप्शन है नंबर कम अंडर लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज एज नंबर आर द रिलेशनशिप अ चाइल्ड क्रिएट मेंटली। एंड फोर्थ ऑप्शन है नंबर कम अंडर सोशियो कल्चरल नॉलेज एज ईच कल्चर रिप्रेजेंट नंबर डिफरेंटली। तो ये ऑप्शन है, हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं। बच्चे मतलब गणना वस्तुओं को संबंधित करके सीखते हैं, बात तो सही है। सेकंड ऑप्शन है संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे उन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है, दुनिया के अनुभव से भी सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है संख्या तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। बच्चा मन में मतलब पहले सोचना शुरू करता है, तर्क संगत करता है, तो ये भी बात सही है। फोर्थ है संख्याएं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में आती हैं सोशियो कल्चर में क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं के अलग अलग तरीकों से दर्शाया जाता है, ये भी बात है, संख्याओं को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है, सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें से हमें जो सबसे सुटेबल आंसर है, बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जीन पियाजे के अनुसार, वो थर्ड ऑप्शन है। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। जीन पियाजे का ऐसा मानना था कि संख्याओं का जो संबंध है वो रचना बच्चा अपने मन में करता है। गॉट इट? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कम अंडर लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज एस नंबर आर द रिलेशनशिप अ चाइल्ड क्रिएट मेंटली। ओके, तो देखिए इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होते हैं सीटेट में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है अ टीचर गिव कट आउट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइड लेंथ टू हर स्टूडेंट। सी आस्क देम टू ट्रेस द स्क्वायर ऑन अ ग्राफ पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस ट्रेस्ड। सी देन आस्क हर स्टूडेंट टू अराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस ट्रेस्ड बाई हिम। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज बींग यूज बाई टीचर। देखिए क्या कर रही है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं को माप वाले वर्गों के कटआउट देती है। वो उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने के लिए वर्ग खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों को संख्याओं और भुजा की लंबाई के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए करती है। निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने किया है। तो देखिए यहाँ से तो ये क्लियर है कि टीचर अब स्क्वायर मतलब ज्योमेट्री पढ़ाना चाहती है, स्क्वायर रेक्टेंगल अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। तो वो पहले डायरेक्ट कुछ पढ़ा नहीं देती है, पहले वो उनको खुद एक्सपीरियंस करने के लिए देती है कि वह खुद करके सीखें। तो इनमें से कौन सा मेथड वो यूज कर रही है, इसका राइट आंसर होगा इंडक्टिव मेथड। पहले से जैसे इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, बच्चे खुद करके सीखते हैं, और एक होता है डिडक्टिव मेथड जिसमें पहले ही बच्चों को फॉर्मूला बता दिया जाता है, उनको रटा दिया जाता है और फिर प्रैक्टिकल उसका किया जाता है। तो यहाँ पे जो टीचर मेथड यूज कर रही है वो ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड। आगमन नात्मक विधि, बच्चे इसे खुद करके सीखेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। इनमें से जो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में टीचिंग और लर्निंग मैथमेटिक्स क्या सही है? द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक टीचर। जो क्या टेक्नोलॉजी का यूज करने से मैथमेटिक टीचर की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है? बात तो कुछ हद तक सही है। सेकेंड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी इज नॉट मैथमेटिक। टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज सिंपली अ वे ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स। ये बस एक प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट विल नॉट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चन विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी का हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मान लीजिए हम कैलकुलेटर यूज करने लगे तो फिर खुद के जो मेमोरी वो यूज करने हैं तो वो बच्चे प्रैक्टिस कम करेंगे। ये भी बात कुछ हद तक सही है। फोर्थ है टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी इन मैथमेटिक्स। टेक्नोलॉजी जो है स्कोप कम कर देती है एक्सप्लोर करने को, डिस्कवरी कम तो नहीं कर देती। हाँ ये है कि हमें सहायता बहुत सारी हेल्प मिल जाती है कुछ एक्सप्लोर करने में और डिस्कवरी करने में मैथमेटिक्स के लिए। हम एकदम से नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर देती है, पूरा स्कोप ही ख़त्म कर देती है। हमें बहुत सा टेक्नोलॉजी से आजकल तो बहुत हमें हेल्प मिल रही है। तो इसका ऑप्शन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टेक्नोलॉजी। कि क्या सही है टीचिंग, तो इसका ऑप्शन है टेक्नोलॉजी इज नॉट मैथमेटिक्स। टेक्नोलॉजी खुद में एक मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज जस्ट सिंपली अ वे ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स। वो जो है मैथमेटिक्स करने में सहायता करती है। ओके इसका राइट आंसर है प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। Got it? इसका राइट आंसर ये है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक टीचर राइट द फॉलोइंग टू वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए दो टीचर जो है मैथमेटिक, प्राइमरी लेवल की जो मैथमेटिक टीचर है वो दो वर्ड प्रॉब्लम लिखती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट है देयर आर 11 बॉल इन वन बैग एंड 14 इन अनदर, हाउ मैनी बॉल आर देयर इन टोटल। मतलब एक बैग में 11 बॉल हैं, दूसरे में 14 बॉल हैं, तो कुल कितनी बॉल हैं। सेकेंड है द प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज ₹245, इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाई ₹50 देन वॉट इज द न्यू प्राइस ऑफ द कार। एक कार की प्राइस 245 है, ₹50 तक उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, तो अब कितनी जो नई कीमत होगी वो क्या होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द पर्पज ऑफ आस्किंग द अबव टू वर्ड प्रॉब्लम। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम है, उनका पर्पज क्या है। पहला स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन एंड आइडेंटिफाई द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन। कि स्टूडेंट जो है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को समझने में, जो एडिशन से जुड़े हुए उसको समझने में समझ सकेंगे और पहचान सकेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें एडिशन का यूज करना है, इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से। सेकंड है स्टूडेंट लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉब्लम ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम में अंतर करना सीख जाएंगे। थर्ड है द गिवन टू सिचुएशन ऑफ एडिशन आर द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन required to be learned at primary level. Given situation of addition are the only structure of addition required to be learned at primary. सिर्फ उन्हें primary level पे याद करना चाहिए। Fourth है the given word problem just serve the purpose of adding variety of word problem. जो purpose है कि different type के question को solve कराना। तो यहाँ पे जो इसका second right option हो जाएगा, सबसे सही वो first option हो जाएगा। स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन एंड आइडेंटिफाई द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन दैट विल बी द पर्पज ऑफ द आस्किंग द टू अवर वर्ड प्रॉब्लम। ओके
छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए, ये इसका उद्देश्य है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनविजन दैट द स्कूल मैथमेटिक टेक प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग पेपर पेंसिल टेक्निक। सेकेंड, स्टूडेंट आर स्टडिंग मैथमेटिक विथ फोकस ऑन फॉर्मूले एंड प्रोसीजर। थर्ड, स्टूडेंट सी मैथमेटिक एज पार्ट ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंस एंड पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम। फोर्थ ऑप्शन है, स्टूडेंट परफॉर्म सक्सेसफुल इन मैथमेटिक एग्जामिनेशन। जो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है। सिर्फ ये उद्देश्य है कि पेपर पेंसिल लेके ही कोई चीज़ का सोल्यूशन करें। सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं, ये भी उद्देश्य नहीं है। थर्ड है, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखने तथा वह अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत हल करने। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं। ये बहुत छात्र के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीख रहे हैं वो अपने लाइफ से रिलेट करके सीखें और उसका यूज कर सकें और यूज करके सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं, सिर्फ ये चीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, स्टूडेंट सी मैथमेटिक एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। गॉट इट? दैट विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल हेल्प इन, जो मैथमेटिकल गेम्स होते हैं, गणितीय गेम होते हैं और पजल्स होते हैं, पहेलियां होती हैं, वो मदद करती हैं किसमें? मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक एंड एवरीडे थिंकिंग, वो कनेक्शन बनवाती हैं, एक संबंध बनवाती हैं मैथ्स गणित में और रोजमर्रा की सोच में या रोजमर्रा की जरूरतों में। सेकेंड है, एनेबलिंग चिल्ड्रेन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड अ मैथमेटिक्स। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी क्रिएट करती हैं क्योंकि कुछ बच्चे मैथमेटिक्स को लेके बहुत नेगेटिव फीलिंग रखते हैं। थर्ड है, रिड्यूसिंग अ वर्क ऑफ टीचर एंड ब्रेक द मोनोटोमी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन ब्लैक टर्म। वर्क टीचर के काम को, शिक्षक के काम को कम करते हैं और ब्रेक द मोनोटोनी, मतलब रोज की वही काम को, जो रोज वही ब्लैक बोर्ड पे काम करते हैं उससे ब्रेक दिलाते हैं। थर्ड है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए, ये सही है, ब्रेक द मोनोटोमी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन ए ब्लैक बोर्ड, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें टीचर, रिड्यूसिंग द वर्क ऑफ द टीचर, ये बात आ गई तो ये नहीं करना है। मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन इन द क्लास, सिर्फ अनुशासन बनाए कि शांति से बैठ जाओ, पर ये उद्देश्य नहीं है। ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही है, मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक एंड एवरीडे थिंकिंग एंड एनेबलिंग चिल्ड्रेन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड मैथमेटिक्स। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर राइट। ओके, इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों विकल्प सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैटर्न इज एन इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक कॉन्सेप्ट एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। पैटर्न ऑप्शन है, पैटर्न आर अट्रैक्टिव टू लुक एट, पैटर्न अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों की किताबों में, जैसे बहुत सारे पैटर्न्स दिए रहते हैं, सीधा सवाल नहीं दिए रहते हैं, ताकि वो पैटर्न्स को देखे या कार्टून के माध्यम से किसी भी इस तरह से कि वो अट्रैक्ट कर सके और बच्चे का मन लग सके। तो पैटर्न अट्रैक्टिव होते हैं,
इसलिए दिया जाता है। सेकंड है पैटर्न कैन बी मेड बाय यूजिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल। पैटर्न बहुत सारे मटेरियल का यूज करके बनाया जा सकता है। थर्ड है पैटर्न कैन बी मेड इन मैनी वेज। पैटर्न को बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है। फोर्थ पैटर्न डेवलप द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा अमंग लर्नर। पैटर्न जो है एल्जेब्रा की समझ को विकसित करता है। पैटर्न डेवलप द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा अमंग द लर्नर। तो देखिए पैटर्न्स अट्रैक्टिव होते हैं, ये बात तो सही है। पैटर्न कैन बी मेड बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, वो बनाया तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य क्या है। पैटर्न इज एन इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो पैटर्न या तो अट्रैक्टिव होते हैं इसलिए, और थर्ड है पैटर्न डेवलप द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा अमंग द लर्नर। तो जो राइट आंसर है जो सीटेट ने माना है वो फोर्थ ऑप्शन है, पैटर्न डेवलप द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा अमंग द लर्नर। पैटर्न जो है अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। इसका सही आंसर ये है, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैथमेटिक टीचर पोज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हिज स्टूडेंट। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट, बट विद द कंडीशन दैट डिजिट सिक्स इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द अबव क्वेश्चन। एक टीचर कहता है कि मेक द चार चार डिजिट, चार अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि छः जो है हमेशा इकाई के स्थान पर रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द अबव कॉन्टेस्ट। ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ऊपर के कथन के अनुसार। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन इज इनसफिशियंट टू सॉल्व इट। जो डाटा दिया गया है वो इनसफिशियंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं है हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी है चार अंकों की, तो हम तो बना सकते हैं, तो डाटा इनसफिशियंट तो नहीं है। दिस क्वेश्चन हैज़ अ यूनिक आंसर टू अराइव विच रिक्वायर द यूज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इसका एक यूनिक आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर पाने के लिए लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत होगी, बात सही है। थर्ड फोर्थ है सच क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू बी आस्क्ड इन द क्लास एज अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड सॉल्विंग। ये बेकार ऑप्शन है, इसे कह रहा है कि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछने से टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर इस शर्त कोई ना लगाई होती या फिर सबसे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो गया, इसके फिक्स्ड आंसर होता है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन तो नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। द क्वेश्चन हैज अ यूनिक आंसर टू अराइव विच रिक्वायर द यूज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इसमें लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो है नंबर जैसे सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, यहाँ पे अब नाइन होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है सिक्स फिक्स कर दिया गया है, तो 9996। तो इस तरह का बच्चा जब प्राइमरी लेवल पे सोचेगा तो उसको लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ओके थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरल राइटिंग बाई स्टूडेंट एज अ मैथमेटिक असेसमेंट टूल फोकस ऑन। छात्रों द्वारा दयानंदिनी जनरल लिखना गणित मूल्यांकन के लिए एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है। जनरल राइटिंग क्या होता है, जैसे डायरी राइटिंग,
जैसे टीचर्स डायरी होती है ना, तो वैसे ही वो रिकॉर्ड करना, डायरी मेंटेन करना एज अ मैथमेटिक असेसमेंट टूल टू यूजेस ऑन। ऑप्शन है एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक टीचिंग एंड लर्निंग। सेकेंड ऑप्शन है एड्रेसिंग जनरल प्रॉब्लम फेस्ड बाई स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। थर्ड है इम्प्रूविंग मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑफ ए स्टूडेंट। फोर्थ है इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। देखिए तो यहाँ पे क्या है, जनरल राइटिंग से क्या करते हैं, छात्रों द्वारा दैनंदिनी लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है। इसका जो ऑप्शन है राइट आंसर है एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक टीचिंग एंड लर्निंग। जो गणित के पढ़ने और पढ़ाने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेट करना, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित कर सकें, ओके पॉइंट आउट कर सकें जो भी कमी आ रही है। इसलिए जनरल राइटिंग जो है गणित मूल्यांकन के लिए एक उपकरण की तरह काम करता है, ओके इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एलिमेंट्री स्कूल मैथमेटिक टीचर डिसाइड टू मेक अ यूनिट प्लान ऑन ज्योमेट्रिकल शेप्स। ही राइट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉग्नाइज वेरियस शेप्स। सेकेंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस शेप्स। थर्ड है आइडेंटिफाई साइड एंगल एंड वर्टिसेस ऑफ एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ वैन हीले ज्योमेट्रिक रीजनिंग इज ही असेसिंग हिज स्टूडेंट ऑन। एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय लिया कि ज्यामिति आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा, ठीक है उसमें उसने काम दिया विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच के अंतर बनाना और आकृतियों की भुजाओं कोणों और शीर्षों को पहचानना। निम्नलिखित से वैन हीले के ज्यामिति चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों को आकलन करेगा। तो देखिए ये जो तीन उसने काम किए हैं उसके तो क्या जानना चाहता है वो वैन हीले के अनुसार किस पे है, विश्लेषण स्तर पे। बच्चे पहचानेंगे तो विविध आकृतियों को पहचानेंगे, आकृतियों के बीच अंतर करेंगे, आकृतियों की भुजाओं कोणों और शीर्षों को पहचानेंगे। तो ये काम वो कब कर सकेंगे, तो किस लेवल पे है, एनालाइजिंग एनालिसिस लेवल पे है। वैन हीले के अनुसार एनालिसिस लेवल पे हैं स्टूडेंट उसके, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस अप टू 10 इन चिल्ड्रन। हिंदी में निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग द सीक्वेंस ऑफ द नंबर, नंबर का सीक्वेंस याद करना। सेकेंड है लर्निंग टू रीड एंड राइट न्यूमरल, संख्याओं का रीड करना और राइट करना। थर्ड है काउंट यूजिंग नंबर नेम, नंबरों को काउंट करना नंबर नेम यूज करके। फोर्थ ऑप्शन है व्हाट कम आफ्टर बिफोर अ गिवन नंबर। तो देखिए व्हाट इज द फॉलोइंग लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में देखिए बच्चा सीक्वेंस से याद करता है, नंबर नेम से याद करता है और बिफोर आफ्टर भी पहले से थे। सबसे लास्ट में क्या सीखता है, रीड एंड राइट करना। रीड करना तो ठीक है, राइट करना नंबर नेम तो राइट करना वो लास्ट में ही सीखता है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड ऑप्शन लर्निंग टू रीड एंड राइट न्यूमरल्स, ओके संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टीचर हैज गिवन द फॉलोइंग असाइनमेंट टू द चिल्ड्रन। योर फ्रेंड वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास एंड मिस द लेसन ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। राइट अ लेटर टू हिम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। यू कैन यूज डायग्राम ऑल्सो। देखिए टीचर किस तरह का काम दे रही है कि अपने बच्चों को एक लेटर लिखना है, मतलब उसका कहना है कि योर फ्रेंड इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। जिस दिन कक्षा में एरिया और पेरीमीटर
क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ाया जा रहा था, आपका मित्र उस दिन उपस्थित नहीं था, तो आप अपने मित्र को लेटर लिखिए कि क्या किस तरीके से पढ़ाया गया, तो इसका उद्देश्य क्या है, टीचर का मतलब शिक्षक का इस तरह का काम देने का क्या उद्देश्य है। टू नो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट टॉट, वो अपने बच्चों की समझ को जानना चाहता है कि बच्चे कितना समझ गए हैं। टू हेल्प द एबसेंटी, वो जो अनुपस्थित लड़का था उसकी मदद करना ताकि उसका छूटा हुआ काम पूरा हो जाए। थर्ड है टू टीच द स्टूडेंट हाउ टू राइट अ लेटर, ये बताना है कि लेटर कैसे लिखते हैं। फोर्थ है टू एनहेंस स्टूडेंट मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, बच्चों को प्रोत्साहित करना है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की, मैथ अगर इस तरह का लेटर शायद ही कोई लिखता है कभी कि क्या पढ़ाया गया किस तरह, तो अगर वो अपने मित्र को पढ़ाएगा तो वो कॉन्सेप्ट को लेटर में यूज करेगा, तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को एनहेंस करना, तो क्या उसका उद्देश्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। टू नो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, पहले तो वो उसकी समझ को जानना चाहता है कि वो उसका जो छात्र है वो कितना समझा, ये उद्देश्य नहीं है, हो सकता है थोड़े लेवल पे। फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को वो एनहेंस करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन पोस्ट विथ अ प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन 445 स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, इफ इट वर 40 देन द आंसर वुड बी 60, बट इफ 45 सो इट इज 55, 155, 255, 355, देयर फोर 400 टू 445 इज 355। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है, पहले तो हमें क्वेश्चन समझते हैं। व्यकलन की एक समस्या 400 से 445 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होगा, परंतु यह 45 है इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा, इसलिए 400 या 445, 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, देखिए तो स्टूडेंट के द्वारा स्ट्रेटेजी कौन सी सही है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ओनली स्टैंडर्ड एल्गोरिथम इज डिजायरेबल फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम, हैंस इट इज इनकरेक्ट मेथड। सेकेंड है इट इज एन इनफॉर्मल एल्गोरिथम रिफ्लेक्ट स्टूडेंट मैथमेटिकल थिंकिंग प्रोसेस, द स्टूडेंट विल गेट 0 मार्क्स बाय फॉर यूजिंग द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन। फोर्थ है इफ इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, देखिए इस तरह के ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए बच्चे की क्या स्ट्रेटेजी की है। ओनली अ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम इज डिजायरेबल, हेंस इट इज एन इनकरेक्ट मेथड, इनकरेक्ट मेथड तो नहीं है, इट इज एन इनफॉर्मल एल्गोरिथम रिफ्लेक्ट स्टूडेंट मैथमेटिकल थिंकिंग प्रोसेस, ये इनफॉर्मल एल्गोरिथम है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है या कोई बेसिक्स वो नहीं है, और ये स्टूडेंट की मैथमेटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। द स्टूडेंट विल गेट 0 मार्क्स, नहीं, इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हिट और ट्रायल मेथड हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है, इट इज एन इनफॉर्मल एल्गोरिथम एंड रिफ्लेक्ट स्टूडेंट मैथमेटिकल थिंकिंग प्रोसेस, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निहाल हैज रिसीव्ड 78% मार्क्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, निहाल जो है 78% लाता है मैथमेटिक टेस्ट में, तो ये किस तरह का उदाहरण है, किस प्रकार के परीक्षण प्रशिक्षण का सॉरी परीक्षण का उदाहरण है। क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, थर्ड डायग्नोस्टिक
टेस्ट या फोर्थ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इसका ऑप्शन है नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। मानक संदर्भित परीक्षण, ओके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी एंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ 3D शेप्स, देयर आर इन रैंडम सीक्वेंस। देखिए 3D शेप्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताने के लिए कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं, इनको सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। फर्स्ट है कंपेयरिंग टू शेप एंड आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, दो शेप्स को कंपेयर करना और उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंस जानना। सेकेंड है कंस्ट्रक्टिंग 3D शेप विद अ प्ले डो, 3D शेप्स बनाना, जैसे क्ले का यूज करके हम बनाते हैं ना 3D शेप्स, उस तरह से 3D शेप्स बनाना। थर्ड है मेकिंग शेप्स यूजिंग नेट्स, शेप्स बनाने यूजिंग नेट्स, ये भी एक तरह का TLM मतलब मटेरियल आता है जिसका यूज करके हम, जैसे बॉक्सेस नहीं यूज करके अरेंज बनाते, तो वैसा हम करके बना सकते हैं 3D शेप। फोर्थ है कंस्ट्रक्टिंग शेप यूजिंग ज्योमेट्रिकल टूल्स सच एस कंपस एंड रूल, शेप को कंस्ट्रक्ट करना ज्योमेट्रिकल टूल्स का यूज करके, जैसे कंपस एंड रूल। तो यहाँ पे किस सीक्वेंस में ये एक्टिविटीज होंगी, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। कंस्ट्रक्टिंग 3D शेप विद प्लेड अप फर्स्ट, देन कंपेयरिंग टू शेप्स एंड आइडेंटिफाइंग द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, थर्ड मेकिंग शेप यूजिंग नेट्स, एंड फोर्थ कंस्ट्रक्टिंग शेप यूजिंग ज्योमेट्रिकल टूल्स सच एज कंपस एंड रूलर। ओके हमारा ये ऑप्शन इस तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स आज था ये क्वेश्चन पेपर, आज का था ये क्वेश्चन पेपर मैथ सेक्शन का। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और सीटेट का पेपर आसानी से दे सकें। तो मिलेंगे हम लोग जल्दी नेक्स्ट सेशन में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।